नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे सरसों में सल्फ़र के फ़ायदे, सल्फ़र के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको लगाने से कौन कौन सी समस्याएं दूर होती हैं, इसके कमी के लक्षण क्या होते हैं पौधों में, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे और कितनी मात्रा इसकी दी जाती है सरसों में, इन सभी के बारे में हम डिटेल से बताएँगे। सबसे पहले तो हम बता दें कि इसका महत्व क्या होता है सरसों में। जितनी भी तेल वाली फसलें होती हैं उसमें सरसों की मात्रा अगर पूरी रहती है तो उसमें ऑयल परसेंटेज बढ़ जाता है। और ये किस वजह से, मतलब इसकी कमी के लक्षण क्या क्या होते हैं, तो ये पत्ती होती हैं सरसों की, जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी छोटी पड़ने लगती हैं, कुछ पत्तियाँ पीली सी पड़ जाती हैं जिसकी कमी के लक्षण हमको दिखाई दे जाते हैं। पौधा हमारा सही से विकास नहीं कर पाता है सल्फ़र की कमी के कारण। तेल वाली जितनी भी फसलें होती हैं उनमें सल्फ़र देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरसों का और सल्फ़र का बहुत ही लंबे समय से अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है, क्योंकि एक दूसरे के बिना ये सब अधूरे होते हैं। और बात की जाए इसकी मात्रा की, तो इसकी कितनी मात्रा देनी चाहिए एक एकड़ में, तो सल्फ़र की एक एकड़ में 3 किलो जो भी उर्वरक डालते हैं अपने लोग, DAP वगैरह कुछ भी डालते हैं, उसमें मिक्स करके 3 किलो एकड़ के हिसाब से डाल देनी चाहिए। जिससे क्या होता है, हमारा ये तना होता है वो अच्छा रहेगा, मोटा रहेगा और ये पत्तियाँ वगैरह अच्छा विकास लेती हैं। अगर सल्फ़र की कम मात्रा रहेगी तो हमारी पत्तियाँ वगैरह कम विकास लेंगी, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा। और क्या होता है, जो भी सॉइल स्ट्रक्चर होती है इसको सुधारने में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है सल्फ़र। जो छोटे छोटे कीड़े वगैरह भी इससे नष्ट हो जाते हैं वो भी नहीं लगते हैं। और पहली सिंचाई जब अपने ये हल्का फूल जैसा बनने लगे, ये इस टाइप का, तब इसमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। जब पहली सिंचाई करते हैं तो उसमें 3 किलो एकड़ के हिसाब से सल्फ़र की मात्रा ज़रूर डालनी चाहिए। जय हिंद।